हेलो गाइस, तो गाइस यूट्यूब चैनल ग्रो कैसे करें, यूट्यूब वीडियो में व्यूज कैसे बढ़ाएं, एक ऐसे ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूं, एक ऐसे सेटिंग्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो सेटिंग्स जो ट्रिक को आपको सिर्फ अप्लाई करना है आपका चैनल पर, उसके बाद आपका चैनल जो है तेजी से ग्रो होने लगेगा, वीडियो में तेजी से व्यूज बढ़ने लगेगा। तो इसीलिए गाइस मैं हूं परितोष, आप देख रहे हो टेक्निकल पूरी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव या नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी कर देना, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक एक कमेंट से हम लोग को बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि आगे जाके और भी इससे बेहतर कॉन्टेंट ला सकूं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो होगा, यूट्यूब वीडियो में व्यूज कैसे बढ़ेगा, हम लोग सोचता हूँ भाई चैनल ग्रो होना या वीडियो में व्यूज बढ़ाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन गाइस मैं बता दूं उतना मुश्किल नहीं है। तो पहले आपको ये देखना है आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, वीडियो में व्यूज नहीं बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या है। तो गाइस देखो, बेसिकली यूट्यूब पर काफी सारा क्रिएटर है, जो भी कैटेगरी का चैनल क्रिएट करना चाहते हो उसी से रिलेटेड काफी बड़े क्रिएटर है, जो बड़े क्रिएटर है जिनका वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आता है, अगर हम लोगों का जो वीडियो है वो उनका सजेशन या रिकमेंड में शो करवाया जाए तो 100% ऑब्वियसली वीडियो में व्यूज तो बढ़ेगा। इसके बाद अगर जो बड़े क्रिएटर का चैनल है उसका सजेशन में उसका नीचे में हम लोगों का चैनल शो करवाया जाए तो हम लोग का चैनल में सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा, चैनल ग्रो होने लगेगा, यही तो हम लोग सोचता हूँ। बट गाइस काफी ऐसे क्रिएटर होता है जिनको इस टिप्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाओ यार सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इसी तरह नॉलेजेबल कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। तो गाइस काफी ऐसे टाइम होता है हम लोग किसी का चैनल अगर सर्च करता हूं तो उसका नीचे में सिर्फ उसका चैनल जो शो करेगा ऐसा नहीं है, उसका चैनल तो शो करता है, उसका नीचे में उसका दो तीन वीडियो शो करता है, उसका बहुत जो सजेशन होता है उसमें भी काफी ऐसे चैनल भी शो करता है, या तो काफी ऐसे टाइम जो बड़े क्रिएटर का वीडियो देखता हूं उसका सजेशन या रिकमेंड में काफी ऐसे छोटे क्रिएटर का वीडियो भी शो होता है जिसमें 20-50 व्यूज आया, उस तरह वीडियो भी शो करता है बट आप लोगों का वीडियो शो नहीं करता है। यह काफी ऐसे टाइम होता है जो हम लोग चैनल किसी का सर्च करता हूं, काफी ऐसे क्रिएटर का चैनल ही सर्च लिस्ट पर नहीं आता है, तो हम लोग सोचते हैं भाई मेरा वीडियो क्यों नहीं शो कर रहा है, एक टेक से रिलेटेड वीडियो देख रहा हूं उसी का सजेशन में एक छोटा क्रिएटर का वीडियो शो कर रहा है जिसमें 20-25 व्यूज आया, बट मेरा सेम टॉपिक से सेम वीडियो है लेकिन मेरा वीडियो पर 100-200 व्यूज है बट मेरा वीडियो उसका सजेशन में शो क्यों नहीं कर रहा है। तो यही मेन फंडा होता है, आपका वीडियो अगर किसी बड़े क्रिएटर का वीडियो का सजेशन में शो करवा सकोगी तो आपका वीडियो में ऑब्वियसली व्यूज आएगा, 100% व्यूज आएगा। अगर आप किसी बड़े क्रिएटर का चैनल का नीचे में आपका चैनल शो करवा सकोगी तो आपका चैनल ग्रो होने लगेगा। तो इसके लिए एक ऐसे टिप्स है जिसको आपको सिंपल अप्लाई करना है, उसके बाद आपका वीडियो भी बड़े क्रिएटर का वीडियो का सजेशन या रेकमेंड में शो डेफिनेटली करेगा या चैनल भी शो डेफिनेटली करेगा। कौन सा टिप्स है, एक जबरदस्त टिप्स के बारे में बात करूंगा। तो गाइस इसके लिए ये जो टिप्स है, ये जो सेटिंग्स है, ये बेसिकली अगर अभी तक आपने नहीं किया तो मस्ट निकलना, एक मेन पार्ट होता है चैनल ग्रो करने के लिए। तो इसके लिए ये सेटिंग्स को करने के लिए आप लोगों को YT स्टूडियो एप्स होता है उसमें नहीं मिलेगा, आपको YT स्टूडियो को कोई भी ब्राउजर में डेस्कटॉप में इनेबल करना है। ओपन करने के बाद आपका जो चैनल का डैशबोर्ड कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, जो आपको पता ही होगा अगर आप क्रिएटर हो तो। उसके बाद आपको चैनल पर कुछ डैशबोर्ड में कुछ भी नहीं करना है, आपको नीचे की तरफ एक सेटिंग्स का एरो पर प्रेस करूंगी, उसके बाद चैनल का जो सेटिंग्स होता है बेसिक सेटिंग्स होता है वो आ जाता है, जैसे कि जनरल हो जाता है, आपको किसी पर कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल चैनल पर प्रेस करना है। तो जैसे ही चैनल पर प्रेस करोगी आप एक नोटिस करना है, इसमें चैनल कीवर्ड दिया हुआ है, आप देख सकते हो जैसे कि वीडियो का टैग्स होता है कीवर्ड होता है उसी तरह चैनल का भी कीवर्ड होता है। तो आपका चैनल पर हो सकता है ये जो कीवर्ड बॉक्स है एम्प्टी है, मतलब कोई भी कीवर्ड नहीं है, तो एक मेन फंडा होता है जो आपका चैनल ग्रो करने के लिए हेल्पफुल यूजफुल सेटिंग्स होता है। तो आप भी अगर आपका चैनल का कीवर्ड नहीं यूज किया तो अभी यूज करना, उसका बाद देखना आपका चैनल कितना तेजी से ग्रो हो रहा है। तो इसमें क्या क्या आपको डालना है कीवर्ड, किस तरह कीवर्ड आपको इस्तेमाल करना है, जैसे कि आपका जो चैनल है जैसे कि मेरा टेक्निकल पूरी, तो मैंने टेक्निकल पूरी काफी सारा कीवर्ड डाल कर रखा है, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि गाइस मुझे पता है मैं सर्च कर सकता हूँ टेक्निकल पूरी एक कैपिटल लेटर डाल के उसके बाद स्मॉल लेटर डाल के स्पेस डाल के सर्च कर सकता हूँ, बट गाइस मेरे जैसा क्या और व्यूअर्स और कोई क्रिएटर मेरे जैसा सर्च करेगा, नहीं करेगा, जो जैसे भी चाहे सर्च कर सकता है, कोई कैपिटल लेटर में सर्च कर सकता है, कोई फुल स्मॉल लेटर में सर्च कर सकता है, कोई स्पेस दे के कर सकता है, कोई विदाउट स्पेस से भी कर सकता है। तो इसी तरह आपको टैग्स जो कीवर्ड होता है चैनल का वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपका जो भी कैटेगरी
से रिलेटेड चैनल है उसी से रिलेटेड भी आपको कुछ कीवर्ड डाल देना है, जैसे कि आप टेक अपडेट देते हो या गूगल एडसेंस, सोशल मीडिया अपडेट, मोबाइल, अर्निंग, इंटरनेट, इस तरह आपको कुछ कीवर्ड आपको डालना है। उसके बाद काफी बड़े बड़े जो क्रिएटर होता है जैसे कि मनोज दे, टेक्निकल गुरुजी, टेक्निकल इस तरह, और भी काफी बड़े बड़े क्रिएटर है टेक से रिलेटेड, आपका चैनल से रिलेटेड जो क्रिएटर है उन्हीं का चैनल का नाम भी आप डाल सकते हो। उसमें भी आपका क्या होता है, जैसे ही आप चैनल नाम डाल के रखोगे, कोई बंदा अगर उसी क्रिएटर को सर्च करके देखना चाहे यूट्यूब पर, तो सजेशन में आपका चैनल भी डेफिनेटली शो करेगा। चाहे आपका चैनल 2-3 चैनल का नीचे शो करे, बट शो डेफिनेटली करेगा। उसके बाद अगर आपका कैटेगरी से रिलेटेड कुछ कीवर्ड डाल के रखोगे, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि एंड्रॉइड टिप्स, इस तरह अगर कोई कीवर्ड सर्च करे तो एंड्रॉइड टिप्स से रिलेटेड काफी सारा वीडियोस आएगा, बट आपका वीडियो भी शो करेगा सजेशन में, रिकमेंड में। तो इसमें आपका वीडियो पर व्यूज भी बढ़ सकता है या चैनल ग्रो भी हो सकता है। यही एक सेटिंग्स है जो आपको चैनल पर जाके करना है डेस्कटॉप मोड में, YT स्टूडियो को ओपन करके चैनल पर जाना। उसके बाद कीवर्ड, जो चैनल का कीवर्ड होता है, मेन एक फंडा होता है। काफी ऐसे भी क्रिएटर होता है जिनका चैनल आप सर्च करो यूट्यूब पर दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चैनल कीवर्ड डाला ही नहीं। तो चैनल कीवर्ड अगर नहीं डालोगे तो आपका चैनल सर्च लिस्ट पर भी नहीं आएगा, ग्रो होने का चांस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका चैनल का कोई कीवर्ड नहीं है। मेन तो फंडा होता है चैनल का कीवर्ड। आप हर एक वीडियो का टैग्स कीवर्ड डाल रहे हो, बट वो वीडियो तो रैंक कर रहा है, बट चैनल रैंक नहीं कर रहा है। क्यों रैंक करेगा, क्योंकि आपका चैनल का कीवर्ड ही नहीं है, आपने कुछ भी कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया। तो अगर अभी तक आपने कोई भी कीवर्ड नहीं इस्तेमाल किया चैनल कीवर्ड में, तो डेफिनेटली इस्तेमाल करना। मैं जिस तरह आप लोगों को बताया, उससे भी बेहतर तरीके से आप कीवर्ड को इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें आपका वीडियो उन्हीं क्रिएटर का वीडियो का सजेशन या रिकमेंड में शो करवा सकते हो। उसके बाद आपका वीडियो पर व्यूज भी इंक्रीज कर सकते हो, चैनल को ग्रो होने में हेल्प करेगा ये जो चैनल कीवर्ड फीचर है। तो आई होप इसके बारे में कुछ नॉलेज मिला, कुछ एक्सपीरियंस हुआ, चैनल कैसे ग्रो करे, कौन सा सेटिंग्स आपको बेसिकली करना होता है चैनल ग्रो करने के लिए। गाइस वीडियो अच्छा लगे या इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बढ़िया से कमेंट कर देना। आप लोगों का क्या राय, क्या विचार है मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि आप लोग का एक लाइक एक कमेंट से हम लोग को बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन होता है, ताकि आगे जाके इससे भी बेहतर तरीके से कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। आप लोग इंस्टा पर मुझे फॉलो भी कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इतने, तब तक के लिए टेक केयर।